देखिएगा कोविड जो है वो फिर से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन की वजह से, फिर से एक बार कोविड की तीसरी लहर का जो है वो इस समय प्रकोप बना हुआ है, और उसकी वजह से सभी से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, और जो भी लोग एलिजिबल हैं वो अपना जल्द से जल्द थर्ड डोज प्रिकॉशनरी जो डोज है जो लगाई जा रही है वो भी जल्द से जल्द लगवाएं। इसमें आज मैंने भी और एसएसपी साहब ने भी यहाँ पर हमारी अपनी जो है अपनी प्रिकॉशनरी डोज लगवाई, बिकॉज एज ए फ्रंटलाइन वर्कर हमें जो है इसमें जो पब्लिक इंटरेक्शन हमारा लगातार होता है, और हमारे जितने भी दूसरे पुलिसकर्मी हैं, हमारे सफाईकर्मी हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, इसी तरीके से हमारे जितने भी जो हमारे स्टाफ चाहे वो लखनपुर में कोविड ड्यूटी पर लगा हुआ है या फिर दूसरी जगह पर कोविड ड्यूटी पर लगा हुआ है, उन सबको भी प्रिकॉशनरी डोज के लिए वो भी एलिजिबल है, और जैसे ही उनके 9 मंथ कंप्लीट होते हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट की जाती है जल्द से जल्द अपना वो प्रिकॉशनरी डोज लगाएं। हमारा रेवेन्यू का जितना स्टाफ है उसको भी जल्द से जल्द प्रिकॉशनरी डोज अपनी लगवा रहा है जैसे ही उसके 9 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं, और उसके साथ ही हमारे जो ओल्ड एज लोग हैं उस लोगों से भी ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो भी जल्द से जल्द अपना जैसे ही उनके 9 मंथ ड्यू हो वो भी अपना जल्द से जल्द प्रिकॉशनरी डोज लगाएं। और आज हमारे यहाँ पर कठुआ में हमारे स्टाफ के जो लोग मेरे साथ जो मेरे स्टाफ के लोग हैं चाहे वो हमारे जो स्क्वाड में या फिर सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर आज अपनी थर्ड डोज लगाई। मैं बचे हुए लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी एलिजिबल लोग हैं वो जल्द से जल्द अपना प्रिकॉशनरी डोज लगवाएं ताकि हम इस मुसीबत से बचे रह सकें। कि ऐसा है कि हम सब लोग ये सोचते थे कि सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव नहीं आएगी, और अभी के जो 24 आवर्स का डाटा है हमारी स्टेट का या यूटी का बोलें या पूरी कंट्री का बोलें 2.5 लाख से ज़्यादा के लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, टू बी प्रिसाइज 2,69,000 के आसपास लोग पॉजिटिव आए थ्रू आउट द कंट्री। थर्ड वेव मुझे लगता है कि ऑलरेडी चल रही है, ये हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो, आपका मास्क हो, या जिन लोगों को 9 मंथ्स हो गए हैं जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सबको थर्ड डोज लगानी चाहिए। अभी तक मैं आपको बता दूं कि हमने करीब करीब 400 से ज़्यादा लड़के जो हमारे कठुआ पुलिस के हैं उनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में एक स्पेशल कैंप लगा के हमने बूस्टर डोज दी है। मैं और डीसी साहब आज चूंकि हमारे 9 मंथ्स कंप्लीट हुए थे सेकेंड डोज के, तो इसलिए हमने भी ये आज
इस मौके का फायदा उठाया है और हम दोनों ने बूस्टर डोज लगाई है, क्योंकि हम लोग दिन में बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए आप हर एक चीज से दूर नहीं भाग सकते हैं, आपको दिन रात को भी काम करना होता है, और जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे पुलिस के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, या हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, मुझे लगता है कि सबको थर्ड ये जो बूस्टर डोज है वो लेनी चाहिए, और इसी से हम थर्ड वेव को फाइट कर सकते हैं।